कोरोना काल में जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में हरियाणा प्रदेश भाजपा पार्टी ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया और एक साल की उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस ने भी इस रैली पर खूब सवाल उठाए। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज जरूरत इस बात की है कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर धर्म जाति राजनीति से ऊपर उठकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़े, और देश लड़ भी रहा है परंतु सरकार नहीं लड़ रही। सरकार आज अपनी उपलब्धियां बताने के लिए वर्चुअल रैली करने जा रही है। मैं इनसे पूछता हूं, कोई एक उपलब्धि तो बताएं, क्या उपलब्धि कर दी उन्होंने एक साल के अंदर। पहली बार हुआ 1947 में देश की आजादी के बाद कि इस देश का निर्माण करने वाला वो मजदूर रेल की पटरी पे कटा, सड़क दुर्घटना में मरा, तड़पती धूप में पैरों में छाले पड़ गए, ट्रेन के अंदर औरतें मरी बगैर पानी के, क्या यही उपलब्धि है। आज किसान की ये हालत कर दी कि लगातार डीजल के रेट बढ़ाकर उनकी कमर तोड़ रहे हैं। आज उनको फसल का रेट नहीं मिल रहा, जो मक्का 1800 रुपये रेट था, आज 1000 रुपये भी कोई खरीदने वाला नहीं है, यही उपलब्धि है। लॉकडाउन करके आज जो छोटे छोटे दुकानदार अपने बच्चों का पेट पालते थे दुकान पे बैठकर, आज उनके सामने किराया देने की, खाना खाने की, बच्चों की स्कूल की फीस भरने की, आज उनके सामने बिजली का बिल भरने की समस्या पैदा हुई, तो यह की सरकार की उपलब्धि है क्या। आज छटनी करके कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि हम मानवता अपनाएं और लॉकडाउन के तहत जो घर बैठे हैं उनको घर बैठे तनख्वाह दें, और दूसरी तरफ सरकार कर्मचारियों को निकालने का काम कर रही है। आज कर्मचारी इनके खिलाफ हैं, आज व्यापारी की दुर्दशा हो चुकी है, आज गरीब आदमी रोजगार नहीं, इस देश के अंदर 12 करोड़ बेरोजगार इस एक साल में महामारी के कारण हुए हैं। तो इसको उपलब्धि बताकर देश के लोगों को आज ये शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं। अगर इनके मन में इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, इस मानवता के प्रति जरा भी दया है, तो ये मानवता अपनाते हुए गरीब आदमी के खाते में 7,500 रुपये महीने का भिजवाने का काम करें, किसान की फसल अच्छे भाव में खेलें, डीजल और पेट्रोल के रेट घटाने का काम करें, और जो कर्मचारी निकालें उनको नौकरी पर लगाने का।